सो हम हमारे सेंट्रो में एक और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं जो है पार्किंग सेंसर्स। सो हमने अमेजोन से थर्ड पार्टी पार्किंग सेंसर्स मंगा लिए हैं, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी असिस्टेंट पार्किंग सेंसर है जो आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, मतलब जिस गाड़ी में कंपनी की तरफ से पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते उस गाड़ी में आप उसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, पर उससे पहले हम उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। द प्रोडक्ट फीचर्स आर सेंसर विथ सेल्फ इंस्पेक्शन फंक्शन, द यूनिट विल वर्क ऑटोमेटिकली वेन कैन स्टार्ट। जब गाड़ी चालू हो जाएगी तो पूरा यूनिट अपने आप वर्क कर बैठ गाड़ी के बैटरी पर वर्क करने लगेगा। फोर सेंसर्स डिजाइन प्रिसिशियसली डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल्स। इसमें चार सेंसर होते हैं जो ऑब्स्टेकल्स डिटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, एंड डिजिटल डायरेक्शनल एंड साउंड रिमाइंडर। ये इसमें डिजिटल मीटर है जो डायरेक्शनल एंड साउंड रिमाइंडर है, जब पीछे गाड़ी आने लगती है तब ये बीप करने लगता है जोरों से। इसके एक्यूरेट डिटेक्शन रेंज 200 से 330 सेंटीमीटर है। और बॉक्स पर और कुछ बताने लायक है नहीं, तो चलिए इसे खोलते हैं। तो इसमें हमें मिलता है एक गाइड, इंस्टॉलेशन गाइड, जिसमें हमें बताया है कि हमें कार में इसे ये सब कैसे इंस्टॉल कर रहा है, तो हमें इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो पहले हमें मिलता है एक पावर मॉनिटर, जिससे हम सारे सेंसर्स, ये चार सेंसर्स हमें मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, ये चार सेंसर्स हम इससे कनेक्ट करेंगे। और फिर हमें मिलता है एक डिस्प्ले, जिससे हमें पता चलेगा कि गाड़ी कितनी सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर दूर है ऑब्स्टेकल से, वो सब। और ये हमें बैकलाइट से कनेक्ट करना होगा कि जब भी हम रिवर्स गियर डालेंगे तभी हमारा पूरा यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें इंस्टॉल कर रहे ये सेंसर्स पीछे इंस्टॉल करने के लिए हमें उस गाड़ी के पीछे जो नीचे बम्पर होता है हमें वहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी, और उसमें ये बिट फिट करके हम गाड़ी में होल करेंगे सेंसर्स फिट करने के लिए। तो ये हम साइड में रख देते हैं। तो ये है स्टिक जो हमें इसके नीचे कहा गया वो पावर, हाँ, ये पावर मॉनिटर के नीचे लगा के हमें इसे स्टिक करना होगा गाड़ी के अंदर। ऐसी जगह स्टिक हम इसे स्टिक करेंगे जहाँ से हमें ये ना दिखाई दे और गाड़ी में वायरिंग जैसा मेस ना दिखे। इसके लिए हम इसे ऐसी जगह फिट करेंगे, मैं दिखाऊंगा कि कैसे फिट करेंगे हम। और फिर ये इसके लिए भी एक स्टिक है जो हम इसे नीचे लगाएंगे और आगे डेस्क पर हम इसे चिपका देंगे अच्छी तरह। तो बॉक्स में हमें इतनी ही चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए हम इसे लेकर नीचे जाते हैं अपने गाड़ी के पास और इसमें और ये सब इंस्टॉल कर देते हैं गाड़ी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसर के लिए हमने यहाँ पे चार होल कर दिए हैं, हमने इसे मेजर करके चार होल कर दिए हैं। तो ये पहला कपलर क्यों, और आप पिन भी इसे बोल सकते हैं। तो हम इसे अंदर डालने वाले हैं उस होल से। तो हम इसे पावर मॉनिटर से कनेक्ट कर, अप लिखा होता है वो ऊपर की, जो अप लिखा होता है मैं फोकस कर रहा हूँ, वो ऊपर की साइड होना चाहिए। यह साफ साफ दिखा रहा है, ऊपर ऊपर की साइड होना चाहिए। वो जो देव आप सिंबल दिख रहा है, वह साफ साफ लिखा है ऊपर की साइड होना चाहिए। तो ऊपर की साइड की तरफ हम इसे लगा रहे हैं। तो इसे लगाने के बाद अच्छी तरह से दबाइए, ये अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए, नहीं तो पता चले गाड़ी चलाते चलाते ये गिर गया। तो इसे अच्छी तरह से चिपका दीजिए, लगा दीजिए, फिट कर दीजिए इसमें। तो ये देखो ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है हमारा सेंसर, और ये हमारा पहला सेंसर। सो हमने अभी क्या किया, जो भी चार सेंसर्स की जो वायर्स है वो हमने यहाँ से नीचे से ये पूरा हेडलाइट बैकलाइट का जो सेक्शन है वो खोल दिया हमने, ये यहाँ से स्क्रू निकाल के इसे खोल दिया। और यहाँ से नीचे से मेरा भाई अंदर चला गया और उसने सारी वायर्स यहाँ से नीचे से ऊपर से यहाँ से निकाल दी और सारी खींच दी। और
यहाँ से सारी वायर्स ऊपर लेके आकर यहाँ हमने डिग्गी में डाल दी है और हमने इसे ओपन करके रखा है। इसमें से यहाँ पर हम कनेक्शन लगाएंगे इस बल्ब में हम इसे बैकलाइट की इस बल्ब में हम इसे बाद में कनेक्शन लगाएंगे बस। तो फ्रेंड्स, आप जो रेड वायर देख रहे हो उस वायर को हमने बैक गियर की लाइट को कनेक्ट किया है। वो कैसे? क्योंकि हमने पहले कपनर निकाला और फिर उसकी जो बैक लाइट की जो वायर आ रही थी उस पॉजिटिव वायर को हमने रेड वायर कपलर के अंदर डाल के कनेक्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं, हमने मैं बताना भूल गया था इसलिए मैंने फिर से बता दिया है आपको। सो बेसिकली अब हमने सारे सेंसर जो कनेक्ट कर लिए हैं उसकी वायर यहाँ से देखो यहाँ से निकाली, यहाँ पर ला दी और हमें वायर गाड़ी के अंदर से लेनी है, इसलिए हमने ये बड़ा वाला पैनल खोल दिया है, फिर इसका स्क्रू भी खोल दिया है और अब हमें यहाँ जो ये जो ग्राउंड की वायर है ना, जो ग्राउंड की वायर, ये वायर यहाँ जो हमारी बैकलाइट है जो रिवर्स गियर लेने पर एक्टिवेट हो जाती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है और उसे कपलर के साथ अंदर डाल दिया है। अब हमें ये जो वाली वायर दिख रही है वो यहाँ पर कनेक्ट करनी है नेगेटिव करंट के लिए, ग्राउंड करंट के लिए जो भी है वो। अब हमें ये सारे वायर्स ये जो पावर मॉनिटर है इसके साथ कनेक्ट करनी है, यहाँ से कनेक्ट करना है और ये सारे पैनल लगा के हमें वायर आगे तक ले जानी है। सो अब मेरा भाई वो जो ग्राउंड वायर जो थी ना उस स्क्रू के साथ कनेक्ट कर दी है निगेटिव चार्ज के लिए, जो भी है ग्राउंड चार्ज के लिए, और वो वहाँ पर लगा दी है। अब वो उसने वहाँ टाइट कर दी है फोकस। हाँ, अब वो उसने वहाँ पर टाइट कर दी है। अब वो इसकी ये पावर मॉनिटर के साथ उसने ये कनेक्ट कर दिया है। अब हम बाकी के सारे सेंसर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और अब ये वर्क होता है कि नहीं ये चेक करेंगे। अब हमने एक सेंसर और डिस्प्ले पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा भाई जाकर गाड़ी की बैकलाइट और गाड़ी रिवर्स गियर में लेगा, तब ये एक्टिवेट होगा का नहीं हम देखते हैं। इसकी वायर कनेक्ट कर दी है और डिस्प्ले भी हमने कनेक्ट कर दिया है और सारी वायरिंग हम ग्राउंड वायर सारी टेल लैम्प से कनेक्ट कर दी है और अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। चलो भाई चालू कर दो। ओके, टेल लैम्प हो गए। ओके, अब मैं लेफ्ट साइड, ये एक्टिवेट हो गया है, देखो ये डिस्प्ले है। अब मैं लेफ्ट साइड भी खड़ा हूँ और मैं आगे गया, ये बज रहा है और लेफ्ट साइड के लिए दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड में कोई ऑब्स्टेकल है, लेफ्ट साइड में कोई ऑब्स्टेकल है ये दिखा रहा है। अब मैं राइट साइड में जाता हूँ तो ये दिखा रहा है कि राइट साइड में ऑब्स्टेकल है। अब जब मैं पीछे जाने वाला जाता हूँ तो इसकी बीप कम हो जाती है और इस तरह इसके रेंज से मैं बाहर आ गया, इतनी ही रेंज है इसकी। ये हमने अब हमारे सेंट्रो के सारे पैनल्स निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ से वायर लेते हुए वहाँ तक डिस्प्ले प्रोवाइड कर देंगे वहाँ तक। नली तरीके से ये काम किया गया, ऐसे वर्टिकल टिल्ट कुछ कैसे भी लगा, एकदम लीनियर लाइन में लगा ये डिस्प्ले, अच्छा लगेगा। सो जैसे कि डिस्प्ले वहाँ है जो जिस उसकी वायर यहाँ से इस पैनल में से गई है, हमने इस पैनल को भी खोला था और यहाँ जाकर इसको भी खोला था, इस पट्टी को भी खोला था और फिर इस पैनल को भी खोला था हमने, फिर इस पट्टी को खोला था। अब वो मेरा भाई पीछे वाले पैनल का सारा सेटिंग्स लगा रहा है। तो सारे पैनल्स हमने लगा दिए हैं, वायर पूरी अंदर तक चली गई है और यहाँ पे वो पावर सप्लाई यहाँ पे है, सारी वायर्स का पावर मॉनिटर सब कुछ वहाँ पर है और मेरा भाई स्पीकर फिक्स कर रहा है क्योंकि पैनल जब निकाला था तब हमें स्पीकर भी निकालना पड़ा था।
तो ये हम जैसे ही पिक्चर ले रहे हैं तो नंबर गिरता ही जा रहा है और ये बहुत ही स्पीड से बीप कर रहा है और ये माइनस पार्किंग में चले गए हम। इसका मतलब ऑब्स्टेकल बहुत ही ज़्यादा करीब है सेंसर के, इसलिए ये माइनस पार्किंग दिखा रहा है। इसलिए ये तुम्हें अलर्ट कर रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल को टकरने से बहुत पास है, तो इसलिए ये इस तरफ बीप करने लगता है। तो ये हमारा स्टेट पार्किंग सेंसर का एकदम अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये ठीक तरह से काम कर रहे हैं हमें पता।